4.27 प्रॉब्लम क्या है देखिए आप एक बार. ए वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नेसेसरीली ए वेक्टर. ठीक है, बट ये बातें हो चुकी हैं अपनी कि वेक्टर का ठीक है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. ठीक है, बट हमने वेक्टर के शुरू में ही एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि उसका मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. तो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती है. दिस क्वांटिटी मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तभी उसे वेक्टर बोला जाता है. तो इतना पार्ट ऑलरेडी बहुत ही एक्सप्लेन है वेक्टर्स के वेरी फर्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो इतने पार्ट में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. तीसरी कंडीशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज गोइंग टू बी वेक्टर मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस. डज दैट मेक एनी रोटेशन ए वेक्टर. ठीक है, ये आप रोटेशन जब पढ़ेंगे तभी अच्छी तरह समझ पाएंगे. ठीक है, अभी जस्ट एक सर्कुलर मोशन को मैंने एक वेक्टर से रिलेट किया था. ठीक है ना, याद है क्या आपको इस तरह का पार्टिकल घूम रहा हो सर्कल में. ठीक है, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करी थी क्या? बताइए एंगुलर वेलोसिटी इस केस में डॉट होगी या क्रॉस होगी? एक पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है सर्कल पर, तो एंगुलर वेक्स वेलोसिटी की डायरेक्शन डॉट होगी या क्रॉस होगी, बताओ. से डॉट हूँ हाँ, बाकी लोग भी बताइए. वैष्णवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया. तो ये जो वेक्टर आपने अटैच कर दिया बिल्कुल डॉट होगी, बाहर की तरफ आ रही है आपकी तरफ. ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर. तो वेक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद द रोटेशन बट दैट डज नॉट मेक एनी क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन. ठीक है, ए वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं. अगर आपको समझना है क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, वाई लार्ज डिस्प्लेसमेंट, वाई लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ए वेक्टर, तो आपको सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स में जाके वो देखना पड़ेगा कि जब मैंने प्रूफ किया है कि जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज होगा तो वेक्टर नहीं होगा. तो वही बात कह रहा है, वही पूछना जा रहा है कि वो आपको पता है रोटेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अभी हम जब रोटेशन में जाएंगे तब रिजिड बॉडी का समझेंगे, अभी इतना समझिए कि सर्कल पे घूम रहा है. ठीक है, तो डेफिनेटली आप रोटेशन को एक वेक्टर से रिलेट कर सकते हैं. बट ये कहना कि आपका डज इट एवरी रोटेशन इज ए वेक्टर, मेक एनी रोटेशन ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है. ठीक है ना, इसका मतलब है कि डज इट मेक एनी रोटेशन ए वेक्टर, मतलब रोटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी फिर वेक्टर हो जाएगी क्या? तो फिर इसका आंसर आप मना कर देंगे. ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए रोटेशनल से रिलेटेड वेक्टर क्वांटिटी है, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन, दीज आर नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. ये बात बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन है काइनेमेटिक्स के शुरू के लेक्चर्स में. ठीक है, क्लियर है बेटा आपको ये पार्ट की रोटेशन को हम डेफिनेटली वेक्टर से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किया ओमेगा वेक्टर से. बट रोटेशन की क्या हर क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? तो आंसर नो है. ठीक है ना, तो जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी क्या है वेक्टर को, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर नॉट वेक्टर्स, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो 4.27 में कोई कंफ्यूजन किसी को? प्रॉब्लम नंबर 4.27 में कोई डाउट किसी भी बच्चे का? ठीक है, तो 0.26, 0.27 बहुत ही थ्योरिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जेई में बिल्कुल नहीं आती ऐसी प्रॉब्लम, बट स्कूल में कोई पूछ ले. और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए जस्ट आपको मैंने बता दिया. ठीक है ना, 4.26 एंड 4.27. बोलिए, बात क्लियर है बेटा एकदम? ठीक है, तो आप पीडीएफ भी पढ़ लेंगे, पीडीएफ भी रहती है आपके पास एकदम. तो 4.27 में ये लिखा है मैंने, वेक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद द रोटेशन बट डज नॉट मेक एनी क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन ए वेक्टर एज एक्सप्लेन इन द सर्कुलर मोशन लेक्चर्स, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है बेटा सबको बात?